वेब सीरीज ऐसी चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट यूनिक हो और कहीं पर बोर फील ना हो। ये वीडियो वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज का पार्ट टू है जिसमें हमने पार्ट वन की इन सीरीज को इंक्लूड नहीं किया। अभी का रिव्यू हम करेंगे IMDb रेटिंग के हिसाब से दुनिया की टॉप 20 वेब सीरीज जिसके कम से कम 2 सीजन हो। अगर आपको मार्शल आर्ट एक्शन पसंद है जबरदस्त स्टोरी टेलिंग के साथ तो एक्शन ड्रामा 3 सीजन्स के साथ वॉरियर जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। 36,000 लोगों ने IMDb पर 8.4 रेटिंग दी है। उसके 2 बड़े रीजंस है, मार्शल आर्ट एक्शन टॉप क्लास का है और साथ ही साथ जब एक अंडरडॉग चाइना का लेबर जिस पर बहुत ही ब्रूटल अत्याचार किए जा रहे हैं जब वो इन अमेरिकन गैंगस्टर की बैंड बजाता है एक एक करके, वो गुस्सा, वो एंगर, वो ब्रूटैलिटी आपको इसमें कूट कूट के मिलेगी। सीरीज में सेक्स, न्यूडिटी और ब्रूटैलिटी कूट कूट कर है तो एडल्ट है। आपने कई सारी ज़ॉम्बीज पर मूवीज और सीरीज देखी होगी और कोरिया की स्पेशलिटी है ज़ॉम्बीज पर सीरीज बनाने में। 2 सीजन्स के साथ एक्शन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल किंगडम। IMDb पर 52,000 लोगों ने इसे 8.3 की रेटिंग दी है और दे भी क्यों ना, क्योंकि एंशियंट टाइम में जाकर आपको कोरिया का एक किंगडम दिखाया जाता है जहां पर एक तरफ पॉलिटिक्स और सत्ता की लालच का गेम चल रहा है और दूसरी तरफ जॉम्बी का वायरस धीरे धीरे फैलते जा रहा है और ये वायरस आम आदमी से लेकर राजा महाराजा को अटैक कर रहा है। किंगडम के अंदर और किंगडम के बाहर दोनों तरफ से जॉम्बी का अटैक। सीरीज में बॉडी हॉरर, ब्रुटैलिटी और कुछ सेक्स सीन्स भी है। इंग्लिश में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स का थोड़ा बिल्डअप दिखा तो थोड़ा स्लो लग सकता है लेकिन ज़ॉम्बी फैंस के लिए मस्ट वॉच है। नंबर 18 की सीरीज ने मुझे बहुत एडिक्ट किया इसकी स्टोरी लाइन से। नई जैकेट चाहिए। क्यों, इस जैकेट में क्या हो गया? इस पर खून लगा है। 2 सीजन्स के साथ क्राइम ड्रामा हिंदी में अवेलेबल Amazon प्राइम पर रीचर। IMDb पर 3.5 लाख लोगों ने इसे 8.1 की रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है लीड कैरेक्टर जैक रीचर। इसकी पर्सनालिटी से लेके इसका करिश्मा इतना स्ट्रांग है कोई इससे भिड़ना नहीं चाहेगा और जो भिड़ेगा उसकी जो ये बैंड बजाता है वो देखने में जो सुकून मिलता है। अब ये एक ऐसे मर्डर में फंस चुका है जो इसने नहीं किया लेकिन उसका पर्दाफाश करेगा। ये एक आम जिंदगी बिताना चाहता है लेकिन ये कमीनी दुनिया इसे फिर से अपने जाल में फंसा लेती है। सीरीज में ब्रुटैलिटी तो है ही लेकिन कुछ इंटीमेटिंग सेक्सुअल सीन्स भी है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो ये टॉप क्वालिटी का कंटेंट है। नंबर 17 पे एनिमेशन का बफे है। पहले तो उन्होंने रोबोट की ली, फिर रोबोट ने ही उनकी ले ली। दुनिया के हर एक टाइप के एनिमेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर एक एंटोलॉजी सीरीज 3 सीजन के साथ लव, डेथ एंड रोबोट्स। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस सीरीज को IMDb पर 1,90,000 लोगों ने 8.3 की IMDb रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सिर्फ 5 से 10 मिनट के एपिसोड और आपको एडिक्शन हो जाएगा इसकी स्टोरी टेलिंग। ऐसा समझ लो एक सीजन में 5 से 10 शॉर्ट फिल्म है। कोई इमोशनल है तो कोई ब्रूटल तो कोई सेक्सुअल। हमारे फैमिली में हमारे साथ बहुत से एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुए हैं। एक अमीर फैमिली की कहानी जो गांव में शिफ्ट हुई, अब वहां पर ये मिडिल क्लास लाइफ कैसे जी पाते हैं। ऐसी सिचुएशन जो आपको सुनने में भी शर्म आए लेकिन 100% आप पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। What do you mean? You don't see anything wrong with us? नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल एक हिडन जेम परफेक्ट बिंज वॉच सिटकॉम स्किंड 3। 6 सीजन्स के साथ इस सीरीज को IMDb पर 1,40,000 लोगों ने 8.5 की रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है एकदम नेचुरल और सिचुएशनल कॉमेडी। जैसा हमने हेरा फेरी में दिखा है बस ये इंग्लिश में है। एडल्ट सीन्स या न्यूडिटी तो बिल्कुल नहीं, बस सिचुएशन थोड़ी सी मैच्योर है। सिर्फ 21 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड्स। एक डॉक्टर जिसके पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे वो सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करके डायग्नोस कर लेता है इसके लिए क्या ट्रीटमेंट परफेक्ट रहेगा और ये दिखने में पूरी तरह सुपर नेचुरल है लेकिन दिखाया एकदम लॉजिकल तरीके से। 5 सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है मेडिकल ड्रामा अ गुड डॉक्टर। 1,08,000 लोगों ने इसे 8 की IMDb रेटिंग दी है क्योंकि ये मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में होने वाला सारा काम उसको परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक मेडिकल फील्ड के प्रोफेशन के लिए तो ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट सीरीज है। कई सारे सीन्स तो बहुत ही ज्यादा शॉक और सरप्राइज करते हैं, खास करके जब ये डॉक्टर मर्फी जो एक कम्प्लीटली वियर्ड पर्सनैलिटी है इस हॉस्पिटल के अंदर मैजिकल तरीके से मरते हुए पेशेंट को भी बचा लेता है। सीरीज में एडल्ट कुछ भी नहीं है, बस ब्लड बहुत ज्यादा दिखेगा। हाई स्कूल के टीनेजर स्ट्रगल कर रहे हैं ड्रग्स, प्यार, सोशल मीडिया और पैसा। आज के जमाने को कितना एक्यूरेट रिप्रेजेंट किया है इस सीरीज ने, खास करके वो सीन जब फर्स्ट टाइम ड्रग लेने के बाद क्या होता है, उसका एडिक्शन कैसे लगता है, मुझे तो अंदर से हिला दिया था इस सीरीज ने। Oh my God, do I look like I'm in Oklahoma? Why would your play be set in Oklahoma? 2 सीजन्स के साथ इंग्लिश में जियो सिनेमा पर अवेलेबल यूफोरिया। IMDb पर 2.25 लाख लोगों ने 8.3 की रेटिंग दी है क्योंकि सीरीज के कई ऐसे सीन्स हैं आपके दिमाग में घुसेंगे। हमें भी स्कूल टाइम में कुछ ना कुछ एडिक्शन था, उस एडिक्शन को आप सीरीज में जब देखोगे जिस तरह से दिखाया आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, फिर से आपको अपने स्कूल टाइम की याद आएगी। सीरीज एक्सट्रीमली मेंटली डिस्टर्बिंग है, न्यूडिटी और एडल्ट सीन्स बहुत ज्यादा है। एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो पूरी दुनिया पे नजर रखती है कब कौन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, किसको मारने की और कौन मरने वाला है। अब ये साइंटिस्ट और एक CIA एजेंट दोनों मिलके इस क्राइम को रोकेंगे। This falls into the wrong hands. It could lead to the extinction of mankind. 5 सीजंस के साथ साईफाई क्राइम ड्रामा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। IMDb पर 1,85,000 लोगों ने इसे 8.4 की रेटिंग
रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है आपको इन्वेस्टिगेशन, वो क्राइम कैसे होने वाला है, उसको ये लोग रोकेंगे कैसे, कैसे प्लानिंग करते हैं लोग साइंटिस्ट की उस मशीन को पाने के लिए, और कितने लोग पीछे पड़े हैं, इन सबके अंदर गवर्नमेंट का क्या एंगल है, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। आप अगर एक बार स्टार्ट कर दो तो खत्म करके ही छोड़ोगे। बस सीरीज उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सावधान इंडिया टाइप के क्राइम ड्रामा देखते हैं। थोड़ी सी स्लो लग सकती है लेकिन टॉप क्वालिटी का कंटेंट है। सीरीज इंग्लिश में अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल थी लेकिन अब नहीं है। अच्छी चीजों को अमेजॉन प्राइम बहुत जल्द निकाल देता है। अगर आप फ्रेंड्स के बहुत बड़े फैन हो, आपको बिना दिमाग लगाए हल्की फुल्की कॉमेडी देखना है, अपने पूरे दिन की थकान और डिप्रेशन दूर करना है, तो नंबर 12 की सीरीज आपके लिए थेरेपी है। Are you currently pregnant? No. Are you sure you look a bit puffy? 12 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टीनेज ड्रामा द बिग बैंग थियरी। आईएमडीबी पर 850,000 लोगों ने एवरेज इसे 8.2 की रेटिंग दी है, क्योंकि सीरीज के अंदर नॉन स्टॉप कॉमेडी है। फर्स्ट सीजन शायद आपको थोड़ा बोर करेगा क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लेकिन एक बार शेल्डन कूपर और लियोनार्ड के कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए, उसके बाद कहीं अगर आपको इनका चेहरा भी दिख गया तब भी आपकी हंसी निकल जाएगी। चार दोस्त जो सोशली बहुत ही ऑकवर्ड है, इनकी लाइफ कैसे बदल जाती है जब एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। सीरीज में किसिंग सीन्स और एडल्ट जोक्स है, न्यूडिटी या सेक्सुअल कुछ भी नहीं। फ्यूचर में एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहां ये सभी दिखने वाले इंसान रोबोट्स हैं, और ये पूरा गेम बदलता है जब ये रोबोट्स मैलफंक्शन करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन के भाई ने बनाई है, तो आप समझ जाओ आपका दिमाग पूरा घुमा के रखेगी। थ्री सीजन के साथ जियो सिनेमा पर अवेलेबल साइफाई ड्रामा वेस्ट वर्ल्ड। आईएमडीबी पर 5.25 लाख लोगों ने एवरेज रेटिंग इसको 8.5 की दी है। अब देखो सीरीज स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, एक वर्ल्ड बिल्डअप करती है, कैसे ये रोबोट्स बनाए जाते हैं, बिहाइंड द सीन्स, और कुछ तो ऐसी घटना हुई है इस अम्यूजमेंट पार्क में जिसे बताना स्पॉइलर होएगा, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिंग और मिस्ट्री की तरह धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, और अंत में हर किसी कैरेक्टर का एक बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है। इसलिए एपिसोड्स बहुत ही लंबे फील होंगे, मिस्ट्री बहुत ज्यादा है, लेकिन 100% इस वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया में आप खो जाओगे। मूवी में ब्रुटैलिटी, एडल्ट सीन्स बहुत ज्यादा है, इंग्लिश में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 10 पे भाई मेरी पर्सनल फेवरेट है, एक ऐसी लड़की जिसके मुंह पर कोई फिल्टर लगा नहीं है, लिटरली सामने सेक्स चल रहा है और उसके बीच में ये फोर्थ वॉल ब्रेक करके चलते सेक्स में आपके साथ बात कर रही है। सीरीज आपको ऐसे ऐसे एम्बैरेसिंग सीन्स के अंदर घुसा के ले जाती है, कुछ टाइम के बाद आप उस सीन का पार्ट हो जाते हो। दो सीजन्स के साथ सटायर कॉमेडी ड्रामा फ्लीबैग। अमेज़न प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल इस सीरीज को आईएमडीबी पर 1,87,000 लोगों ने एवरेज 8.7 की रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है एमी अवार्ड विनर फीबी वॉल्टर ब्रिज। इतनी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कॉमेडी लिखी गई है, और जब ये आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करती है, कुछ कुछ सीन्स में तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमारी आत्मा से बात कर रही है ऐसा लगता है, और सीरीज में एडल्ट सीन्स कूट कूट के भरे हैं। सटायर कॉमेडी की बात चल रही है तो नंबर 9 पे बादशाह है। रोगन रॉय एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का मालिक रिटायर हो रहा है, तो अब उसके परिवार में से कौन उसकी जगह संभालेगा। इसी भागम भाग में फैमिली ड्रामा I'm with you because I love you. Bullshit. जियो सिनेमा पर इंग्लिश में अवेलेबल 4 सीजन्स के साथ सक्सेशन। आईएमडीबी पर 2,44,000 लोगों ने एवरेज 8.9 की रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सीरीज की राइटिंग बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कैमरा हिल रहा है बार बार, कुछ कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि मैं सीरीज नहीं देख रहा हूँ, ये मेरे सामने कोई थिएटर का नाटक चल रहा है। बहुत ही ज्यादा रॉ और रियल लगता है। इसकी एडवांस लेवल की इंग्लिश स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी, लेकिन आपको अगर चुभने वाली कटाक्ष करने वाली कॉमेडी पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 8 पे मेरे हिसाब से अब तक की सबसे बेस्ट हॉरर सीरीज। इस सीरीज में से हॉलीवुड की कई मूवीज ने कॉपी किए सीन्स। डार्क हॉरर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल अमेरिकन हॉरर स्टोरी। आईएमडीबी पर 3,37,000 लोगों ने एवरेज 8 की रेटिंग दी है, क्योंकि हॉरर का लेवल कभी ईविल डेड की तरह एक्सट्रीम ब्रूटल, तो कभी माइक फ्लैनेगन की मूवीज की तरह स्लो और इफेक्टिव जंप स्केयर। नॉर्मली हॉरर मूवीज में मुझे बहुत बोर होता है, सोचो ये सीरीज में कितना बोर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हर सीजन में एक नई स्टोरी देखने मिलती है, एक्सट्रीम लेवल का हॉरर, ब्रुटैलिटी, खून, कोर बॉडी हॉरर, ये सब कुछ कूट कूट के भरा है। और 2011 से जो अमेरिकन हॉरर स्टोरी स्टार्ट हुई ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 2021 की भी एक अलग अमेरिकन हॉरर स्टोरी है। नंबर 7 की सीरीज आज के जमाने का कार्टून है, बहुत ही ज्यादा एडवांस, कुछ एडल्ट जोक्स और यूनिक कॉन्सेप्ट। We need a vacation. IMDb पर 5,77,000 लोगों ने इसे 9.1 की एवरेज रेटिंग दी है। 7 सीजन्स के साथ सिटकॉम रिक एंड मॉर्टी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। रिक एक अल्कोहलिक साइकोपैथ साइंटिस्ट है, जो अपने ग्रैंडसन मॉर्टी को अपने साइंस के इस्तेमाल से एडवेंचर पे ले जाता है, लेकिन ये कोई डिज्नी का एडवेंचर नहीं है, लिटरली बैंड बजाता है ये अपने ग्रैंडसन की। इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन इतना हिलेरियस होता है, ऊपर से इसके साइंस फिक्शन एडवेंचर जो दिखा है क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर लेवल का है भाई। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आप पूरी
तरह एडिक्ट हो जाओगे। सीरीज में एडल्ट जोक्स, ब्रुटैलिटी, डबल मीनिंग ये सब है, इसलिए एडल्ट है। माइकल के पास एक ऐसा टैलेंट है, एक बार किताब देखने से दिमाग में छप जाती है। चुपचाप बिना किसी डिग्री के एक बड़े लॉयर फॉर्म में हार्वी की मदद से एक से बढ़कर एक केसेस ये लोग सॉल्व करते हैं। इस सीरीज को देखने के बाद भाई मैं आधा लॉयर बन चुका हूँ। लाइफ इज दिस, आई लाइक दिस। कोर्टरूम ड्रामा नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल 9 सीजन के साथ। सूट्स। ऑब्जेक्शन, इरेलेवेंट। इस सीरीज ने मुझे टीनेज टाइम में एक लड़के से मर्द बनना सिखाया, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली। कैसे लीगली प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं उसका मास्टर क्लास है ये। आपको भी अगर अपना लीगल नॉलेज बढ़ाना है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज में मैच्योर और एडल्ट कॉन्वर्सेशन है, न्यूडिटी या सेक्सुअल कुछ नहीं। नंबर 5 की सीरीज में हमने हमारा फ्यूचर देखा है, किस तरह टेक्नोलॉजी इंसान की बैंड बजाने वाली है। इस फ्यूचरिस्टिक साइफाई दुनिया को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखाया है। लगता है तुम्हें ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा, पिक्चर ऐसे दिखेगी। 6 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल ब्लैक मिरर। IMDb पर 6,19,000 लोगों ने इसे एवरेज 8.7 की रेटिंग दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हर एपिसोड में एक नया स्टोरी, नया यूनिक कॉन्सेप्ट। एक्सट्रीमली पावरफुल सीरीज है। आपको आज के टाइम की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है एक पॉइंट पे जाके वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। सीरीज खत्म होने के बाद आप सोच में चले जाओगे कि क्या ये सच में होगा। सीरीज के कुछ एपिसोड्स के टॉपिक एडल्ट है। एक ऐसी दुनिया जहां के सुपर हीरोज दुनिया के सामने तो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हैं, जिस वजह से ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन इसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का पर्दाफाश करना पड़ेगा जहां ये अपनी सुपर पावर से सीक्रेटली अपने काले सच को छुपा रहे। शायद तुम सबसे बड़े हरामी नहीं हो। एक्शन फिक्शन हिंदी में अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल 3 सीजन के साथ द बॉयज। IMDb पर 600,000 लोगों ने इसे 8.7 की एवरेज रेटिंग दी है, जिससे प्रूव होता है कि ये कितनी ज्यादा फेवरेट है। आप इस सीरीज को ऐसा समझ लो कि ये सुपर हीरो की मिर्जापुर है। एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, यहां कोई दूध का धुला नहीं है। खास करके ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, दुनिया जिसे हीरो समझ रही है, भगवान मानती है, वो एक्चुअली उनका सबसे बड़ा विलन है। टॉप 3 सीरीज से पहले अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट वर्ल्ड क्लास सीरीज पसंद है तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें हिस्ट्री में अक्सर अंडरडॉग की कहानी पसंद है, कैसे जीरो से हीरो बनने तक की जर्नी। 1200 साल पहले नॉर्वे में लोगों को लगता था कि बस दुनिया इतनी ही है। उस वक्त एंट्री लेता है रैग्नर और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है और राज करेगा उस पे। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अगर मुझे अपना हक हासिल करना है तो नॉर्थ को जाकर कुछ पैसे कमाते हैं। हिस्टोरिक एक्शन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल 6 सीजन्स के साथ वाइकिंग्स। IMDb पर 5,66,000 लोगों ने एवरेज 8.5 की रेटिंग दी है, और सीरीज डिजर्व भी करती है क्योंकि एक्शन सीन्स बवाल है इसके। लेकिन उसका भी स्केल धीरे धीरे हर सीजन में बढ़ता है क्योंकि फर्स्ट सीजन के अंदर ज्यादा एक्शन नहीं देखने मिलेगा, कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डअप है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ग्रैंड लेवल पे एक्शन देखने मिलता है। कई हॉलीवुड और इंडियन मूवीज ने इस मूवी के लुक्स हो, मेकअप हो या फिर एक्शन सीन्स डायरेक्ट चुराए, तो आप समझ लो कि ये कितनी ज्यादा ओरिजिनल है। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज में ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा, एडल्ट सीन काट मार भर भर के। नंबर 2 की सीरीज निकली दुनिया के नंबर 1 सीरीज में से उसी को टक्कर देने के लिए। Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do. And so do I. IMDb पर 600,000 लोगों ने इसे एवरेज 9 की रेटिंग दी है। नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल 6 सीजन्स के साथ लीगल क्राइम ड्रामा बेटर कॉल सॉल। ब्रेकिंग बैड अगर आप में से किसी को स्लो लगी तो इस बार विंस गिलिगन ने सारे फीडबैक लेकर इस सीरीज को सुपर एंगेजिंग और इतनी एडिक्टिव बनाई है। बॉब ओडेनकर की एक्टिंग बवाल है भाई। जिमी जो की एक एक्स कॉन आर्टिस्ट है, कैसे छोटे छोटे लफड़े से होते हुए बड़े लफड़े करता है और कैसे इम्पॉसिबल सिचुएशन में से बाहर निकलता है, वो भी लीगली, छल और कपट के अंदर परफेक्शन। और ब्रेकिंग बैड फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है। और अच्छी बात यह है कि आपको ब्रेकिंग बैड भी देखने की जरूरत नहीं इसके लिए, लेकिन अगर आपने देखा है तो उसी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलग लेवल पे आपको हिट करेंगे। सीरीज में डिस्टर्बिंग सीन्स और एडल्ट सीन्स भी है। सालों पहले जब महाभारत टीवी पे आता था, सारे काम छोड़ के सभी मिलके टीवी के सामने आते थे, उसी तरह अमेरिका की एक ऐसी सर्वाइवल ड्रामा जिसने 20 साल पहले पूरे अमेरिका को टीवी के सामने लाया। IMDb पर 5,82,000 लोगों ने एवरेज 8.3 की रेटिंग दी है, और इस सीरीज ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया अपने सर्वाइवल ड्रामा से। 6 सीजन के साथ लॉस्ट। एक प्लेन आकर आइलैंड पे क्रैश हो गई, सारे पैसेंजर इतर बितर, बचने के लिए रास्ते ढूंढ रहे, लेकिन इस आइलैंड पर कुछ तो बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स है और इस आइलैंड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। पूरी सीरीज आइलैंड के ऊपर है, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर परफॉर्मेंस टॉप क्लास की। IMDb रेटिंग के हिसाब से तो नंबर 1 पे नहीं, लेकिन सर्वाइवल जॉनर मेरा फेवरेट है और काफी टाइम बाद मुझे इतनी टॉप क्लास की सीरीज देखने मिली, वो भी 20 साल पुरानी। एक सेकंड भी बोर नहीं हुआ और ऊपर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीजन एक से बढ़कर एक। इंग्लिश में अवेलेबल सीरीज एडवेंचर और मिस्ट्री फैंस के लिए 100% मस्ट वॉच। आपकी वर्ल्ड क्लास फेवरेट सीरीज कौन सी है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।